गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिन के बज गए हैं 9 और सर्दी का कहर जारी है यहाँ। ब्लेसी ने भी अभी खाना खाया है और शी इज़ इन्जॉइंग हर सेल्फ आउट। आप देख सकते हैं कि ब्लेसी बाहर गार्डन में खुश है, थोड़ा घूम फिर रही है खाना खाने के बाद। शी इज़ इन्जॉइंग दैट बिट, ट्राइंग टू गेट फेमिलियराइज विद द थिंग्स। दूसरी ओर गुंजन अभी सो रही है, आलिया भी सो रही है, एवरीवन्स स्लीपिंग। बस मैं उठा हूँ, ट्राइंग के बस कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ चाय मिल जाए, सो दैट यू नो, वो जो दिल्ली वाली एक आदत है ना, वो ठीक हो जाए। और ये देखिए एक नया मेहमान। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और सुबह के बज गए 9 और हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हैं। अमेजिंगली क्लियर स्काई है और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे धूप, फर्स्ट क्लास, अमेजिंग। एंड आपको मैं होटल भी दिखाता हूँ और आपको ब्लेसी भी दिखाता हूँ। ऊपर होटल शुरू होता है, इसका रिसेप्शन ऊपर है और नीचे आते 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 हैं। एंड दिस इज़ आर कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड। ये आप देख सकते हैं नीचे भी है। ये जाने का रास्ता हमने ब्लेसी की वजह से बंद कर रखा है। और अमेजिंग सनलाइट, बहुत ज़बरदस्त सनलाइट है। और जिस प्यारे बच्चे के लिए हम यहाँ आए हैं वो यहाँ पर लकड़ी खा रहा है। सर्दी बहुत है, अप्रॉक्सीमेटली 1 डिग्री अभी मैंने नोट किया है। नाक भी बंद हो, पेड़ों के बीच में से सूर्य देवता दर्शन देते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी। नीचे पूरी वैली है, ये टेरेस फार्मिंग, ऑर्चर्ड्स। वेलकम बैक। और जैसा आपको बताया था, हम लोग होटल में रुके हुए हैं तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त एकदम नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑमलेट खाया, मज़ा आया। मेरे साथ है जोग सिंह जी, जो यहाँ के चीफ शेफ। ये मेरे साथ है जोग सिंह जी। सर, आप यहाँ पे कब से हैं और आपकी स्पेशलिटी डिश क्या है? मेरा नाम जोग सिंह है, सबको मेरा नमस्कार। मेरे को अभी यहाँ पे 6 महीने नहीं, इससे पहले मैं बाहर जॉब करता था यूक्रेन में। ओह वेरी गुड। तो आपकी यहाँ की स्पेशलिटी डिश क्या है? सभी लगभग। ओके, नहीं वेज अच्छा लगता है आपका बनाना या नॉन वेज? वेरी गुड, नॉन वेज ज़्यादा लाइक करता हूँ। ओके ओके, तो नॉन वेज में आपको यहाँ पे क्या क्या बनाने को मिलता है? लगभग सभी चीज़ें। ओके, तो गेस्ट की चॉइस के हिसाब से आप बनाते हैं? लाइक यहाँ पे मटर चिकन करते हैं। ओह ओके, चिकन मिला। राइट, तो आप कहाँ के रहने वाले जोग सिंह जी? गढ़वाल के। ओके, मसूरी से। मसूरी से? ओके, घर के पास ही है। बिल्कुल फैंटास्टिक। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? ठीक है। ओके दैट्स गुड। तो जोग सिंह जी, शाम को हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉन वेज में आज? नॉन वेज अभी स्टार्टर में लोगों मेन कोर्स में, दोनों में, दोनों में स्टार्टर में आपको मिल जाएगा, अफगानी कबाब मिल जाएगा आपको। फैंटास्टिक, या गुड। और चिकन मसाला टिक्का मिल जाएगा। अरे वाह, पनीर मिलेगा, पनीर अलमानी मिल जाएगा आपको। गुड गुड गुड। चिकन धनिया वाला मिल जाएगा मेन्यू। और वेज में आप क्या बढ़िया बनाएंगे आज? वेज में स्टार्टर में, स्टार्टर में आज बेबी कॉर्न चिली मिल जाएगा आपको, कॉर्न चिली मिल जाएगा। ओके, चिली पनीर मिल जाएगा। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अभी अभी हो गया है सीन, बहुत जबरदस्त। दिल्ली की तरह सोच रहे थे यहाँ की हरी मिर्च भी थोड़ी सी कम पी की होगी, लेकिन ये देखिए मैडम के तो खुशी के आंसू निकल आए। क्या हुआ मुझे? तो जी, हम और ब्लेसी आ गए हैं वॉक पे होटल के बाहर, और ब्लेसी को अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा है माहौल यहाँ, तो ब्लेसी इज एंजॉयिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज आवर डे 2 इन धनौल्टी। सो पापा मेरे पीछे आ रहे हैं, देखो पापा। हाय। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं एंड वी गॉट प्लान्स टुडे। सो बेसिकली हम जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू टिहरी डैम, या एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू चंबा, बिकॉज मुझे करनी है वहाँ से थोड़ी शॉपिंग, जो मैं हर ट्रिप पे करती हूँ। बिग टास्क एक्चुअली, यू नो द रीजन, इट्स अ बिग टास्क बिकॉज़ ब्लेसी वुड बी विद अस, सो वी हायर्ड अ कार फ्रॉम आउटसाइड, इट्स अ जीप बेसिकली, सो वी हायर्ड अ जीप, उसका इंतज़ार है क्योंकि ब्लेसी को भी ले जाना है, हम उसको यहाँ पे होटल में रिसोर्ट में छोड़ नहीं सकते। सो उसके लिए एक बड़ी गाड़ी करी है कि थोड़ा सा वो
फील ना करे चीज़ों को, और दूसरा ये कि वो भी और हम भी सब लोग कंफर्टेबल रहें, इसलिए बड़ी गाड़ी करी है। एग्जैक्टली सो अभी हम लोग आपको मिलते हैं गाड़ी में, अभी हम तैयार होने जा रहे हैं। बेसिकली हम तैयार हैं बट बिकॉज ऑफ ठंड हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा, सो थोड़ा हमें क्रीम व्रीम लगानी पड़ेगी फिर से तो इसीलिए हम आपको मिलते हैं गाड़ी में। टाटा। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो मेरे साथ चढ़ रहे क्योंकि मैं स्टेयर्स को ओके वेट, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और हमारे रूम तक जाने के लिए अराउंड एंड अराउंड 25 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं और बाहर जाने के लिए भी। सो ये रे पापा, पापा से हाय। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए और साइट सीइंग के लिए, सो मैं गाड़ी में मिलती हूँ, बाय बाय। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। हो चुके हैं तैयार एंड पापा और ब्लेसी चले गए हैं गाड़ी में। सो बेसिकली अब हम लोग ऑब्वियसली सेल्फ ड्रिवन कार तो करेंगे नहीं साइड सीइंग के लिए, क्योंकि हर जगह पार्किंग वही स्पेशली हिली एरियाज पे नहीं पॉसिबल होती है। सो हम लोगों ने होटल से ये कार को रेंट किया है काइंड ऑफ, सो अभी हम वही जा रहे हैं। तैयार हो चुकी हूँ, मम्मी मेरे पीछे अगर दिख रही हूँ तो वैसे फिक्स हो रही थी। सो पापा आ गए हैं ब्लेसी के साथ, ब्लेसी बहुत परेशान कर रही है इसीलिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है हम सबके लिए। सो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा साइट पे, टिल दैट बाय बाय। हेलो जी, वेलकम बैक। सो एज टोल्ड यू कि हम लोगों का एक लोकल ट्रिप है जो कि है टिहरी डैम। हमारे साथ हैं महावीर जी जो कि हमारी गाड़ी चला रहे हैं। महावीर जी के हिसाब से ये रास्ता है 3 घंटे का, इट्स गोना बी अ गुड जर्नी। मेरे साथ पीछे मौजूद है बड़ा बच्चा और उसके पीछे बड़ा से छोटा बच्चा, और ये रही गुंजन, से हाय गाइस। ओके सो इट्स अ गुड ब्राइट सनी डे। कल रात की -1 के बाद हालत हो गई थी खराब, और अब हम चले हैं अपने रास्ते की तरफ। इट्स गोना बी ब्यूटीफुल ड्राइव, हम लोग ड्राइव एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे। अपना ख्याल रखें, कोरोना से बच के रहें, और हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो महावीर जी कितना टाइम से आप यहाँ पर हैं? तुम्हारा जन्म हुआ। अच्छा आपका जन्म हुआ है, गुड। तो कितने टाइम से आप इस सेम रूट पे गाड़ी चला रहे हैं? मेरे को भी 22 साल। 22 साल, तो आपको तो चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे आप आराम से। कितना टाइम लग जाता है यहाँ से टिहरी डैम के लिए? विंडो बंद कर दे प्लीज। 2.5 घंटे लग जाते हैं। ओके फैंटास्टिक। तो अभी तक आपके कितने चक्कर हो गए होंगे टिहरी डैम और यहाँ के वापसी? ये तो अनगिनत है हमारे तो। अच्छा, तो एक दिन में एक ही चक्कर लगता होगा आई बिलीव, एक दिन में एक ही चक्कर। ओके ओके, कितना किलोमीटर आपने बताया यहाँ से? ये है होटल वालों ने बताया 70 से 75 किलोमीटर है। अच्छा 80 किलोमीटर, ओके बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो गाइस ये थे महावीर जी जो हमारे साथ हमारे सफ़र में हमारे साथी हैं, हमारे सारथी हैं, हमें लेकर चल दिए हैं। एंड इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है, यहीं के पैदा हुए हुए हैं और इन चप्पों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और अनगिनत चक्कर लग चुके हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट इज़ वंडरफुल। प्लीज़ क्लोज द विंडो बेबी, हम लोग गर्म पानी से ना दादा यहाँ फोटो खींच लें एक मिनट के लिए। एक सेकंड वाले एवरीवन। सो अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स टिहरी डैम एंड ये देखो ब्लेसी बहुत एंजॉय कर रही है एक्चुअली, लेकिन वो क्योंकि रास्ता थोड़ा सा यू नो ऐसा है, सो उसकी वजह से वो तो थोड़ा उसकी मूवमेंट्स हो रही है, सो उससे वो थोड़ा सा परेशान है, बट उसलिए मैंने उसको यहाँ ऐसे रख रखा है। और बाकी अब हम आपको टिहरी डैम पे मिलते हैं, बाय बाय। तो ये है वैली, हिमालय वैली, एंड जो बैक में आपको वाइट वाला पीस दिख रहा है वो है हिमालयन रेंज, जिस पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है जी। ये है दूसरी साइड में भी ये वैली है, थोड़ा सा यहाँ मैं दिखा पा रही हूँ जहाँ पर आपको, ये देखिए कितनी सुंदर है ये वैली। तो जी ये है सारा व्यू, ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर नज़ारा है जो देखने के लिए हम लोग इतनी दूर दूर आते हैं। एंड दिस इज़ सीरियसली
पिक्चर्स एक ब्यूटी। ये क्या बर्फ पड़ी हुई है? ये पाला है, ये पाला होता है। हाँ, पाला। क्या डिफरेंस होता है इसमें? ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है।